सलमान ने थाने में किया सरेंडर, रेलवे ट्रैक पर कर रहा था शूटिंग, फिल्म तेरे नाम के गाने पर किया था शूट, अब रेलवे पुलिस सिखाएगी सबक। नमस्कार, मैं हूं चेतन पाठक, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। जी हां, सही सुना आपने, फिल्म तेरे नाम के मशहूर गाने तेरे नाम हमने किया है पर रेलवे ट्रैक पर बिना शर्ट के रील्स बनाने को लेकर अपने आप को सलमान कहने वाले आजम अंसारी ने लखनऊ में सरेंडर कर दिया है। सोशल मीडिया पर 20 अगस्त को एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था। इस वीडियो में डुप्लीकेट सलमान खान डॉलीगंज रेलवे पुल पर लाइन के बीचों बीच रील बनाता दिख रहा है। मामला आरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचा तो उन्होंने लखनऊ सिटी आरपीएफ प्रभारी को रेलवे एक्ट के तहत मामला दर्ज करने की और कार्रवाई करने के तुरंत आदेश जारी किए। आरपीएफ ने रेलवे एक्ट की धारा 147, 145 और 167 के तहत अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध सोशल मीडिया को आधार बनाते हुए मामला दर्ज किया। पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की लेकिन वो तब फरार हो गया, जिसके बाद अब खुद को सलमान कहने वाले और बताने वाले आजम अंसारी ने खुद थाने पहुंचकर सरेंडर कर दिया है। पुलिस के सामने सरेंडर करने के बाद आजम ने जो कहा, अब वो आप खुद ही सुन लीजिए। क्या नाम आपका? आजम अंसारी। ये क्या मामला है, किसके लिए गिरफ्तारी हुई आपकी यहाँ पर? सर, गिरफ्तारी की बात नहीं है, क्योंकि मेरा रेलवे ट्रैक वाला जो वीडियो था 2 साल पुराना, उस पर मुकदमा हुआ था। हमको पता चला था कि हमने सोचा था नोटिस वोटिस जमा के माफीनामा इस तरह मैं डाल चुका था, तो मुझको मैंने ये कहा था कि नोटिस आकर जब भी पता चले, तो नोटिस तो यहाँ पे आए थे साहब, जो मतलब गए थे वहाँ पे घर पे, तब हमको पता चला। तभी सुबह भी साहब आए थे, तो जब सुबह साहब आए तो हम यहाँ पे सबके पास आ गए यहाँ पे, तो हमने जो सरेंडर करके अपना जमानत मांगी, जो मामला है अपना जमानत हो जाए। ज़्यादा सही उसके बारे में पता था नहीं, पहले का मुकदमा था उसके बारे में हमको ध्यान नहीं था, लेकिन उसके बाद भी चलिए ठीक है, अपना जो भी है कानूनी प्रक्रिया उसी हिसाब से मामला हो जाए तो ज़्यादा सही है। तो जमानत मुझको करना भी, मैं यहाँ पे हाजिर हो गया हूँ, जमानत मेरी हो जाएगी इंशाल्लाह। तो आपने सरेंडर किया है यहाँ पर? जी जी। सर, आपके जो लोग आपको देखते हैं, आप ऐसे पुराने भी हैं, लेकिन अगर आपको कोई फॉलो करता है, देखता है, तो आपको लगता है कि अगर आपकी देखा देखिए दूसरे भी ऐसा कर सकते हैं? नहीं नहीं, वो वीडियो तो गलत था, वो अब उसके बारे में ध्यान नहीं था, देखिए जब आदमी को पता नहीं होता है, तो ये भी होता है जब पता हो जाता है तो फिर आगे से वो गलती भी थी। बस भाई ने वीडियो बनाया था तेरे नाम का, उसी हिसाब से हमने भी अदा कर दिया, लेकिन हमने भी अपने हिसाब से सुरक्षा करी, लेकिन वो तो गलत है ना भाई, हम देख रहे हैं लेकिन वीडियो में डाला तो बच्चे भी उसको फॉलो करेंगे, सब करेंगे, वो गलत था। तो इस तरीके का कोई कहना चाह रहे हैं आप दूसरों के लिए, जो आपके फॉलोअर्स हैं, आपको देखते हैं, आपको पसंद करते हैं, उनके लिए इस तरीके की वीडियो बनाया जाए? आप नहीं नहीं, उस तरह की वीडियो कोई बनाइएगा नहीं आप लोग, क्योंकि ये बनाया था भाई को देख के हमने बनाया था, भाई बहुत सुरक्षा में रहते हैं, तब वीडियो शूट होता है, ऐसे वीडियो शूट नहीं होता है। तो अपने हिसाब से मैंने भी सर को करा था, लेकिन आप लोग से निवेदन ये है कि आप लोग कोई वीडियो इस टाइप में ना बनाइएगा जिसमें किसी को कोई दिक्कत हो। आपको बता दें, इससे पहले भी 8 मई को ठाकुरगंज थाने में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। ठाकुरगंज पुलिस ने आजम अंसारी के खिलाफ शांति भंग की कार्रवाई कर उसे गिरफ्तार भी किया था। उस समय आजम ने घंटा घर पर भीड़ इकट्ठा करके रील्स बनाई थी, हालांकि बाद में उसे जमानत दे दी गई थी। आजम अंसारी पुराने लखनऊ का रहने वाला है, सलमान खान का फैन होने के चलते वो उन्हीं की तरह कपड़े और ब्रेसलेट पहनता है, सलमान के सारे स्टाइल कॉपी भी करता है और सोशल मीडिया पर सलमान के गानों पर वीडियो बनाकर डालता है। यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी उसके काफी फैन फॉलोइंग है और लोग उसे काफी पसंद करते हैं, वो जहां भी जाता है लोग उसे उसके साथ तस्वीरें खिंचवाने के लिए सामने आते हैं। इस खबर में इतना ही, ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए वीके न्यूज के साथ। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।